विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही निर्वाचन कार्यालय ने मतदान के लिए ईवीएम अलॉटमेंट की पहली प्रक्रिया सोमवार को पूर्ण की। राजनीतिक दलों की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी ने फर्स्ट रैंडमाइजेशन किया। रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम के अलॉटमेंट की फाइनल लिस्ट भी सौंपी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। सोमवार को ईवीएम मशीनों का फर्स्ट रैंडमाइजेशन किया गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किए गए इस रैंडमाइजेशन में ऐप के माध्यम से विधानसभा वार ईवीएम को अलॉट किया गया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के आग्रह पर रैंडमाइजेशन के 3 राउंड पूरे किए गए। फाइनल रैंडमाइजेशन के बाद लिस्ट डाउनलोड कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उसकी एक कॉपी दी गई। फाइनल लिस्ट पर जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने हस्ताक्षर किए। अभी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आज एक ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन 11 बजे कलेक्ट्रेट में किया गया था। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब आज आए थे, उनके पहले इन्हें प्रेजेंटेशन दिया गया था रैंडमाइजेशन प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में। उनके समझने के बाद हम लोगों ने एक पोर्टल के माध्यम से एक फर्स्ट रैंडमाइजेशन वो प्रोसेस हमने कंप्लीट किए हैं। हमारी स्ट्रांग रूम से हमारी टोटल 9 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको हम लोग ईवीएम वीवीपैट्स को अलाट किए हैं। उसके CUBU और वीवीपैट के नंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किए हैं। वो पूरा प्रोसेस हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट रैंडमाइजेशन में मशीन सबसे पहले विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने अलाट किए हैं, और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा पहले मोबाइल ऐप के माध्यम से वो लोग मशीन्स को रिसीव करेंगे। उसके बाद कल वापस पॉलिटिकल पार्टीज को वेयर हाउस में 1 बजे बुलाया गया है। सारे मशीन्स को प्रॉपर असेंबल करने के बाद फिजिकली भी हैंड ओवर करने का प्रक्रिया किया जाएगा। सेकेंड रैंडमाइजेशन में विधानसभा के अंदर से पोलिंग स्टेशन वाइज मशीन्स को अलाट करने का काम किया जाएगा। उसको बाद में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत कराया जाएगा। रैंडमाइजेशन के बाद अलॉट की गई एवं विधानसभा वार रिटर्निंग अधिकारियों को ईवीएम हैंड ओवर की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में इन मशीनों को रखेंगे। दूसरा रैंडमाइजेशन मतदान के 3 दिन पूर्व होगा। तीसरे रैंडमाइजेशन में मतदान केंद्र पर ईवीएम अलॉट की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।